हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई करनाल के गोल्डन मूवमेंट से, जहां पर आज सांकला क्लासेस द्वारा जो है अवार्ड फेस्ट का आयोजन किया गया, जहां पर उन सभी स्टूडेंट्स को अवार्ड्स दिए गए जिनके 10th के बोर्ड एग्जाम्स में 95 अबव जो है उन्होंने स्कोर किया था, और ऐसे 119 स्टूडेंट्स थे। हर साल की तरह इस साल भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो जरूर रहा सांकला क्लासेस का। इस समय हमारे साथ डायरेक्टर SL सांकला जी मौजूद हैं, एक बार हम उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या इसके पीछे का कारण है, क्योंकि हर साल इसी तरीके से सांकला क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे नंबर्स से जो है पास होते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं, क्या बताना चाहेंगे इसके पीछे? वन वर्ड वो सारी बातें डिफाइन कर देता, ऑनेस्टी, कि आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, बस इसके अलावा और कोई सेकंड थॉट नहीं। सर आज क्या कुछ प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके बारे में क्या जानते हैं? मैम आज जो प्रोग्राम है वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी पे है, और ये एक मिक्स्ड प्रोग्राम है। आज हमारे 119 स्टूडेंट हैं जिनके 95% से ऊपर स्कोर है साइंस एंड मैथ्स पे, तो उनको हम ऑनर कर रहे हैं ताकि बच्चे मोटिवेट हो। बट ऑन द सेम पार्ट कि आजकल बच्चे हैं जो मॉरल पार्ट पे, स्पिरिचुअल पार्ट पे वो डाउन होते जा रहे हैं, और जिसके कारण एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशंस ये सब बढ़ रही है। तो आज के प्रोग्राम के अंदर मैंने साथ में स्पिरिचुअलिटी को ऐड किया है, और स्पिरिचुअलिटी के अंदर क्या है कि हमने स्पीकर्स बुलाए हैं, IIT रोपड़ से बुलाए हैं, हैदराबाद से बुलाए हैं, जो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी पे बोल रहे हैं, सो दैट दे कैन लिफ्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द एंजाइटी, टेंशन एंड डिप्रेशंस। सर साइंस और मैथ्स की अगर हम बात करें, काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, लेकिन इस साल भी जैसा कि रिस्पांस रहा, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो शायद पेरेंट्स चाह रहे थे अपने बच्चों के लिए 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना, उनके नाम क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? उनके नाम मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल जो मार्केटिंग चल रहा है एजुकेशन सेक्टर में, उस मार्केटिंग से स्टंट से बचें, और कौन सा इंस्टीट्यूट है वो एक अच्छा रिजल्ट देता है इसकी जो सही बात बताएगा जो स्टूडेंट वहाँ से पढ़ा हुआ है, ये एक सच्चाई है। और हमारे यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं उसके पीछे एक ही है कि हम ऑनेस्टी से काम करते हैं, और साइंस एंड मैथ्स से आप ये ना कहिए कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, साइंस एंड मैथ्स एंजॉय करने वाले सब्जेक्ट हैं। हमारे यहाँ पर बच्चों को साइंस एंड मैथ्स एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक टेक्स्ट बुक तक ना करवा के उस सब्जेक्ट को बच्चे को आस पास में फील करवाया जाता है कि आपके आस पास में सब्जेक्ट कहाँ पर है, जिसके कारण बच्चे इसको पढ़ाई ना करके एंजॉय करते हैं। और जब आप किसी भी काम को एंजॉय करते हुए करोगे तो नेचुरल सी बात है कि आपका आउटपुट ज़्यादा आएगा। तो ये आपने देखा SL सांकला जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, और जैसा कि उन्होंने बताया, हालांकि काफ़ी बार स्टूडेंट्स के मन में एक डर जरूर होता है मैथ्स और साइंस को लेके, लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कंसेप्ट्स यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं, एक फन लविंग एनवायरमेंट में जो है सभी चीज़ें बच्चों को समझाई जाती हैं एक डेली रूटीन के एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि किसी भी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं या डाउट्स जो हैं वो बच्चों के दिमाग में ना रहे। और यही एक बड़ा कारण ज़रूर है कि बच्चे जो हैं हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनका रहा, और यहाँ पर ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि उनके पेरेंट्स का भी जो है आज काफी प्राउड मूवमेंट जरूर था उनके लिए, उनके भी मुंह पर एक स्माइल जरूर थी जब उन्होंने देखा कि कैसे बच्चों को यहाँ पर अवार्ड्स दिए गए हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि ना केवल पढ़ाई पर बल्कि जो मॉरल एजुकेशन है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उस पर भी ध्यान रखते हुए जो है आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि बच्चे भी बढ़ चढ़ कर पहुंचे, उनके पेरेंट्स भी पहुंचे। लगातार लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको करनाल के गोल्डन मूवमेंट से दिखाई, और एक बार फिर से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो के शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।
आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से करनाल के गोल्डन मोमेंट्स में आज सांखला क्लासेस द्वारा जो है एक अवार्ड फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कि 119 ऐसे बच्चे जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड में 95 अबव मार्क्स जो है स्कोर किए उनको अवार्ड्स यहां पर दिए गए, सम्मानित उनको यहां पर किया गया। और कुछ स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ यहां पर मौजूद है, सभी के चेहरे पर स्माइल है, जायज सी बात है क्योंकि अवार्ड उन्हें आज मिला है, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिला है। उनके पेरेंट्स भी यहां पर मौजूद हैं, स्टूडेंट्स से और उनके पेरेंट्स से हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे। आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब बच्चे क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब आपने सांखला क्लासेस ज्वाइन किया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और आज अवार्ड मिला है, क्या कुछ? मेरा नाम आयुषी मित्तल है और मैंने 2018 में सांखला क्लासेस को ज्वाइन किया था। ऑल दो मैंने 11th 12th में परस्यू नहीं की साइंस, बट मुझे 10th में बहुत अच्छा इंटरेस्ट बन गया था साइंस में, एंड ऑल थैंक्स गोज टू संदीप सर एंड सांखला सर फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच सर। आप क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को और उन स्टूडेंट्स को जो फिलहाल 9th और 10th स्टैंडर्ड्स में हैं, क्या कुछ उनके लिए एक मैसेज? मेरा नाम तनीषा गोयत है, मैंने भी 2018 में सांखला क्लासेस को ज्वाइन किया। जब मैंने सांखला क्लासेस को ज्वाइन किया तो मेरे जो कंसेप्ट्स थे मैथ्स और साइंस में स्पेशली, वो इतने स्ट्रांग हो गए कि आज मैंने मेडिकल परस्यू किया है तो मेरी बायोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि मुझे कभी इतनी प्रॉब्लम आती ही नहीं। और मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बेस को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आप सांखला क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज यहाँ पे एक रेगुलर टेस्ट सीरीज और डाउट सेशंस जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा यहाँ पे ज्वाइन कर। जी बिल्कुल, अगर बेसिक्स यानी कि जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया जाए तो जायज सी बात है कि आगे चलकर कभी भी किसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। और उन्हीं बेसिक्स पर उन्हीं कंसेप्ट्स पर जो है सांखला क्लासेस कई सालों से फोकस करता हुआ आया है और यही एक कारण है कि हर बार के अगर हम रिजल्ट्स की बात करें वो अपने आप में ही सांखला क्लासेस के काफी ज्यादा बेहतरीन रहते हैं। कुछ और स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या आपका नाम है, कितने मार्क्स आपने स्कोर किए थे और आज क्या कुछ आपका? मेरा नाम मानवी है और मैंने 3rd डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ मैं और मैंने 100 मार्क्स मैथ्स में और 99 मार्क्स साइंस में स्कोर किए थे। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अपनी उपलब्धि का मैं पूरा पूरा श्रेय सांखला सर और संदीप सर को देती हूँ, क्योंकि जिस तरह से सांखला क्लासेस पे डाउट्स क्लियर होते हैं, एनसीईआरटी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जो कि बहुत ही ज़रूरी है स्कोर करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है। और जिस तरह से डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाता है, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, टेस्ट सीरीज़, उनकी बुकलेट, ये सब बहुत ही हेल्पफुल है हमें मार्क्स को स्कोर करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि जिस तरीके के उनके नतीजे रहे और जैसा कि पढ़ाया गया यहाँ पर जो फैकल्टी हैं उनके द्वारा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। मैम काफ़ी खुशी हुई होगी जब आपके बच्चे ने 95% से ज़्यादा जो है मार्क्स स्कोर किए हैं, तो कितना श्रेय आप इसमें टीचर्स का मानते हैं, कितना खुद का भी, क्योंकि जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहता तब तक शायद बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, तो क्या इसके बारे में जानकारी? सांखला क्लासेस से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रही है बच्चों की, इन्होंने काफ़ी अच्छे से डाउट्स क्लियर किए हैं बच्चों के। टाइम टू टाइम जब भी बच्चों ने कुछ भी डाउट्स पूछे हैं तो सर ने ऑन कॉल भी और जब भी गए हैं बच्चे तब भी क्लियर किया है और इसलिए बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो आपकी बेटी है जो 3rd डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। यस। तो आप देख सकते हैं माता पिता के चेहरे पर उस समय बहुत खुशी होती है जब उनका बच्चा काफी अच्छा परफॉर्म करता है। एक और पेरेंट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सर आप क्या बताना चाहेंगे, कितना आपके बच्चे ने स्कोर किया और कैसा एक्सपीरियंस अभी तक करा? मेरी बेटी ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3रा स्थान प्राप्त किया है और इसमें सांखला क्लासेस का बहुत बड़ा योगदान रहा कि शिक्षा का आज व्यापारीकरण हो गया है। शिक्षा का व्यापारीकरण के आज के युग में शिक्षा के का संस्कार जो है सांखला क्लासेस देती है और जो दोस्त सर हमारे इनका जो पारिवारिक एक भावनाएं बना करके पारिवारिक माहौल बना करके संस्कार के साथ शिक्षा का ये देते हैं और तन मन धन बच्चों के ऊपर लगाते हैं और उसका रिजल्ट है कि आज डिस्ट्रिक्ट का 2nd जो बच्चा है वो सांखला क्लासेस से है, 3rd जो बच्चा है वो सांखला क्लासेस से है और इतनी बड़ी उपलब्धि बच्चे के साथ साथ उसके शिक्षक का इसमें बड़ा योगदान रहता है। हम उसके लिए सांखला क्लासेस को बधाई देते हैं और ये कहना भी चाहते हैं पूरे ज़िले को कि अगर आप अपने बच्चों का बेस मजबूत करना चाहते हैं, बच्चों का आधार मजबूत करना चाहते हैं, बच्चों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं तो सांखला क्लासेस पर जरूर आएँ, उनकी उपलब्धि को देखें, उनके जो कार्यशैली है उसको देखें। धन्यवाद।
तो आप देख सकते हैं जैसा कि स्टूडेंट्स ने और उनके पेरेंट्स ने भी हमें यहाँ पर बताया कि काफ़ी अच्छे तरीके से सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए, सभी कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए जो है सांखला क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है, और उसी का नतीजा था 119 बच्चों ने जो है 10th के बोर्ड्स में 95 अबव स्कोर किया था, जिनको आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। अवार्ड फेस्ट जो है उसका आयोजन करनाल के गोल्डन मोमेंट्स में किया गया। एक और स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या आपका स्कोर रहा और कैसा आपका 2 साल का ये एक्सपीरियंस रहा? हेलो, माई नेम्स अभिजीत मलिक, और मेरे मैथ्स और साइंस दोनों में 99 मार्क्स आए थे। तो सबसे पहले तो मैं सांकला सर और संदीप सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी मेहनत कराई कि 99 मार्क्स आए मेरे दोनों सब्जेक्ट्स में। प्लस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है कि यहाँ पे जो बेस बिल्डिंग जो प्रोसेस होता है ना, वो बिल्कुल इलीट लेवल का है, क्योंकि जब आप 10th से 11th में जाते हो तो वो बहुत हाई लीप हो जाती है, तो उसको करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर मुझे इतना टफ नहीं लगा, क्योंकि मुझे पहले से वो बातें सुनी हुई थी, बस उन्हें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाना था। तो यहाँ पे रिजल्ट तो अच्छा आता ही है, मेहनत तो अच्छी कराते हैं, पर जो बेस बनाते हैं वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे, और जैसा कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, हम लोग चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि हम लोग बाकी लोगों तक जो हैं ये सभी जो मैसेजेस यहाँ पर दिए गए वो पहुँचा सके, ताकि जो भी स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स अगर चाह रहे थे कि 9th और 10th स्टैंडर्ड्स के लिए एक अच्छी साइंस और मैथ्स की ट्यूशन का, तो सांखला क्लासेस उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। कुछ और स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे, तो उन तस्वीरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनको लेकर टेंशन मन में ज़रूर होती है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो खुशी भी बहुत होती है, क्योंकि मार्क्स आते हैं 95 से ऊपर, किसी के 99, किसी के 100, किसी के 98, और जब अच्छा रिजल्ट आता है तो फिर अवार्ड भी मिलता है। सांखला क्लासेस की तरफ से आज करनाल के अंदर उन तमाम बच्चों को अवार्ड दिए गए, सम्मानित किया गया, जिन्होंने 10th की बोर्ड क्लासेस में साइंस और मैथ के अंदर 95 से ज़्यादा अंक हासिल किए। और ऐसे तमाम बच्चे थे, तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे, और एक परिवार के अंदर भी खुशी देखने को मिलती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, जानेंगे उनसे कि किस तरीके का अनुभव उनका सांखला क्लासेस के साथ रहा। बेटा आपका नाम क्या है और कैसा अनुभव वहाँ पर रहा, कितने मार्क्स आए 10th बोर्ड के अंदर? My name is Bhavdeep. I scored 94 in science and 100 in maths and overall 96%. और ये सब सांखला क्लासेस और सांखला सर की वजह से ही हुआ है। वो रेगुलरली डाउट सेशन क्लासेस और असाइनमेंट्स देते थे, बहुत उनकी हेल्प हुई। और अनिल सर मैथ्स में, उनकी वजह से मेरे 100 आए हैं, और बेस्ट क्लासेस इन द कनाल है सांखला क्लासेस, इसलिए। आप क्या कहना चाहेंगे, कितने मार्क्स आए हैं आपके और आगे की क्या तैयारी है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं अलग अलग फील्ड में जाते हैं, तो आपकी आगे की क्या तैयारी है? हाय, मेरा नाम हनी भाटिया है, और मेरे 10th बोर्ड्स में 99 इन साइंस और 100 इन मैथ्स थे, और जिसमें काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन सांखला क्लासेस का था, और स्पेशली सांखला सर का भी। और अब मैंने 11th में नॉन मेडिकल स्ट्रीम चूज़ करी है, और आगे मेरा अभी मैं JEE प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, और आगे इंजीनियर बनने का ही मेरा ड्रीम है, और वही अब मैं करना चाहता हूँ अचीव। बहुत सा प्रेशर होता है जब मैथ का पेपर आता है, या तो 35 नंबर नहीं आते या फिर 100/100 आ जाते हैं। ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनके 99, 100, 98 नंबर आए हैं। हाँ, जो लड़का था उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। खुशी होती होगी जब रिपोर्ट कार्ड आता होगा या रिजल्ट आता होगा, बेटे के मैथ में साइंस में इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। और जो मेरे को सांखला सर ने बोला था कि मैं इसको आपके लड़के को तराश दूंगा, बिल्कुल मेरे को अच्छी तरह याद है। जब मैं इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा था कोई की कोचिंग इंस्टीट्यूट कि इसका बच्चा कहाँ मैं एडमिशन करवाऊँ, तो मैं ढूंढते सांखला सर के पास गया। वो बच्चे की क्षमता को एकदम पहचान लेते हैं। उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे बच्चे से और एक कागज़ पेन दे दिया कि इस पर करके दिखा दे मेरे को। इसने उसी वक्त कर दिए, तो उनका ये शब्द है कि ये लड़का आप मेरे को दे दो, मैं इसको तराश दूंगा। और वो अपने शब्दों पे खरे उतरे। आप देख रहे हैं उसके मैथ्स में 100 में से 100 आए हैं, साइंस में 99 आए हैं, उसका बेस इतना मजबूत कर दिया, अभी आगे उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैं तो और भी पेरेंट्स को बोलूँगा कि जो सांखला क्लासेज हैं करनाल में बेस्ट हैं, आपके 9th और 10th में जो बच्चे हैं, 9th और 10th में जो बच्चे हैं, उनके लिए सांखला सर की जो क्लासेज हैं बेस्ट हैं। तो मैं और भी पेरेंट्स को कहूँगा कि अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलवाएं, ताकि उनके बच्चे निखर के आएँ।
तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनमें सुधार दिया जाता है, यानी कि वो आपकी मजबूत हो जाती है और एक हीरे को तराशने की ज़रूरत होती है और उसके लिए एक अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है, एक ऐसे गाइड की ज़रूरत होती है जो हमें अच्छा पढ़ाता है, अच्छे क्वेश्चंस बताता है, अच्छा गाइड करता है। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे, कितने मार्क्स आपके आए और आगे की क्या तैयारी और सांकला क्लासेस का आपका कैसा अनुभव रहा? गुड इवनिंग, मेरा नाम अर्शिया बेनीवाल है और मेरे मैथ्स और साइंस दोनों में 100 मार्क्स थे। इसके लिए मैं सांकला सर और संदीप सर दोनों का ही बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहूँगी। रेगुलर टेस्ट होते हैं, रेगुलर क्लासेस होती है, डाउट क्लैरिफिकेशन सेशंस होते हैं जो स्टडीज़ को बहुत ही स्मूथ और ईजी बना देते हैं। अभी मैं JEE की तैयारी कर रही हूँ और एट लास्ट आई वुड लाइक टू से अ बिग थैंक यू टू द टीम ऑफ सांकला क्लासेस फॉर देयर सेल्फलेस सपोर्ट एंड गाइडेंस। थैंक यू। बच्चों के अंदर भी एक विश्वास जो है वो जागता है, उनके पेरेंट्स में जागता है, क्योंकि बच्चों के इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट जो आता है वो एक टीचर की वजह से आता है, क्योंकि वो बच्चों से ज़्यादा मेहनत करता है। और सांकला क्लासेस करनाल के अंदर नर्सी विलेज में भी है और सेक्टर 13 में भी है, जहाँ पर 9th और 10th के जो तमाम बच्चे हैं उन्हें साइंस भी पढ़ाई जाती है, मैथ भी पढ़ाया जाता है और फिर रिजल्ट ये आता है जो आपके सामने है। आप क्या कहना चाहेंगे, बेटे के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, खुशी होगी, आप खुद एक लेक्चरार हैं, बताते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं जब बच्चों को पढ़ाना होता है, लेकिन आपके बेटे ने बहुत अच्छा अच्छे रिजल्ट हासिल उसने किया है, तो आप और जो आपके टीचर्स रहे या आपके जो बच्चे हैं उन्हें भी आप गाइड करते होंगे? हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, माई सेल्फ कवरजीत मलिक, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज। और एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से आसानी से संतुष्ट नहीं होता। जब बेटा 9th में आया तो मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसे कहाँ डाला जाए। हर गली कूचे में कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं लेकिन वो कमर्शियल हैं। जो सांकला क्लासेज है वो कमर्शियल नहीं है, वो संस्कारी सेंटर है। यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। बेटे के 99 आए, नर्वस 99 का शिकार हो गया और सचिन तेंदुलकर भी होते। तो मैंने उसको यही कहा था कि हमारे टाइम में तो 3 बच्चे पास हो जाते थे 99 में, आपने तो एक नहीं लिए। लेकिन मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, खुद संतुष्ट नहीं होता। मैंने मजे लिए, कैसे, 12 बजे बोला बेटे को डाउट भेजो, आंसर आ गया 12 बजे। एक दिन सुबह 5 बजे बोला कि डाउट भेजो, आंसर आ गया। फिर मैंने सांकला सर से पूछा सोते कब हो, अगर हम सो गए तो बच्चे कैसे जागेंगे। तो इससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है कि आपके डाउट क्लियर के लिए वो सारी रात मेहनत करते हैं। तो इसके लिए मैं सांकला सर और संदीप सर को विशेष रूप से थैंक यू करना चाहता हूँ कि बेटा अब JEE मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहा है, उसे वहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि उसका बेस बनाया गया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बच्चा 9th में पढ़ता है या 10th में पढ़ता है और साइंस में उसे डाउट है या मैथ में उसे डाउट है, तो आप सांकला क्लासेस जा सकते हैं, जहाँ पर आपको आपका बच्चा एक उज्ज्वल भविष्य की तरफ जाता हुआ नजर आ जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।